एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स को हम आगे बढ़ाते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाला था क्या होता है, और फिर उसको एक सवाल में यूज किया था। तो अब उसी से कुछ काम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, उसमें ना एक एंगल भी हमने निकाला था कि भाई रिजल्टेंट कितने एंगल पे होता है, और पिछले लेक्चर में जो आखिरी क्वेश्चन लिया उसमें खाली मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हमने निकाला, हम एंगल पे नहीं गए, है ना। तो एक बार एक और क्वेश्चन लेते हैं ये देखने के लिए कि किस तरह से डायरेक्शन भी निकाली जा सकती है। सपोज ये कोई फोर्स है 16 न्यूटन, और ये कोई फोर्स है 10 न्यूटन। जो भी है हम जानते हैं कि रिजल्टेंट इस तरह से आया करता है, ये इनका रिजल्टेंट है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन F1 एंड F2, दिस इज 53 डिग्री, यह हमें दिया है। और इस एंगल को फाइव बोला है, इस एंगल को फाइव बोला है, तो फाइंड फाइव, फाइव हमें निकालना है। ये आप फाइव निकालना है हमें कि कितना होगा, तो फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, है ना। हमारे पास फॉर्मूला था 10 5, डायरेक्ट फॉर्मूला था 10 5 का, 10 5 का फॉर्मूला था b sin थीटा। अच्छा, b sin थीटा का मतलब है, b मतलब जिस वेक्टर के साथ आपने रिजल्टेंट का एंगल बनाया है उसके अलावा दूसरा। आपने रिजल्टेंट का एंगल किसके साथ बनाया है, F1 के साथ, तो B हमारे लिए होगा 10। तो 10 इंटू साइन थीटा, थीटा था एंगल उन दोनों के बीच, और दोनों के बीच एंगल कितना है 53, 10 साइन 53 अपॉन A प्लस B कोस थीटा। A, A मतलब जिसके साथ आपने रिजल्टेंट का एंगल दिखाया है, दैट इज 16, प्लस B, B आपका है 10 और कोस 53। हमें ट्राइंगल बनानी आ गई, हमें फॉर्मूला लगाना आ गया है, पैरेललोग्राम देखना आ गया है। अब साइन 53 37 इनके लिए एक स्पेशल ट्राइंगल हुआ करती है, 3 4 5 वाली जो ट्राइंगल है उसमें ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 53 होता है। याद रखना कि आसान है, 5 और 3 के बीच का एंगल 53 याद रखना भी आसान है। तो अगर हम ये देखें तो साइन 53 कितना है, यहां से साइन 53 4 अपॉन 5 एंड कोस 53 3 अपॉन 5। तो आपने वैल्यू इसमें रखी 4 अपॉन 5, तो 8 बचा ऊपर, है ना भाई, और नीचे 3 अपॉन 5, तो 6 एंड 16 और 6 22, ये 2 से कटा 4 बटे 11। तो मेरे पास जब 5 एंगल आया, 5 उसका आंसर आ गया 10 इनवर्स ऑफ 4/11। तो शायद हमें ये समझ आ गया है कि कल जो रिजल्टेंट निकाला था, मैग्नीट्यूड हमने एक क्वेश्चन में ले लिया था, डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कर लो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हम इसमें ना इसके बाद दो ऐसे वेक्टर्स को ऐड करेंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, तो उसमें छोटा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो वो वाला काम हम देखते हैं, इस बोर्ड पे करके देखते हैं इधर की तरफ। तो नेक्स्ट जो हम लेके चल रहे हैं दैट इज रिजल्टेंट ऑफ, अगला जो काम हम देख रहे हैं दैट इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये देखना है। मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है, एंड एक चीज जो हमें दी गई है दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सपोज ये एंगल कितना है थीटा, ठीक है, और हमें निकालना है टू फाइंड आर, निकालना है रिजल्टेंट निकालना है इनका सम, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। तो सबसे पहली बात तो जो रिजल्ट है, जिसके रिजल्ट है जो हम याद रखते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो अंडर रूट से निकल के एक छोटा फॉर्मूला आ जाएगा टू इंटू एफ इंटू कोस ऑफ हाफ एंगल। अगर इन दोनों के बीच थीटा एंगल था, 2 into f, f मतलब किसी भी एक का मैग्नीट्यूड into cos of half angle, और जो डायरेक्शन आएगी जिसको आप phi बोल रहे थे, इस बार एक आसान सा फॉर्मूला आएगा थीटा by 2। थीटा by 2 का मतलब है कि एंगल बाइसेक्टर के अलोंग, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ये आ जाना है, ठीक है। हम इसको डिराइव करते हैं, कैसे आया हम इसको डिराइव करते हैं, प्रूफ देखिए। इसके लिए थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होते हैं इसमें ना, ये प्रूव करने में। जैसे पहला पार्ट रिजल्टेंट का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा। आप क्या करो, a और b दोनों की वैल्यू क्या दी गई है f, a की वैल्यू भी f है, b की वैल्यू भी f है, तो अंडर रूट ऑफ दोनों की जगह मैंने f रख दिया, f स्क्वायर प्लस 2 इंटू f इंटू f, यानी कि 2f स्क्वायर और इंटू cos थीटा रख दिया, इसमें तो कोई गलत है नहीं। f स्क्वायर जुड़ के 2f स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो अगर आपको ये दिख रहा हो कि ये बचा अंदर अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती है कि 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, cos ऑफ डबल एंगल का एक फॉर्मूला होता है। तो 1 प्लस cos थीटा को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2f स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो रूट से बाहर क्या है, 2 इंटू 2 से 2 बाहर आया, एफ स्क्वायर से एफ बाहर आया और cos स्क्वायर से cos बाहर आया, तो ये अल्टीमेटली बाहर जो बचा 2 इंटू एफ इंटू cos ऑफ थीटा बाई 2, हमारा ये फॉर्मूला आ गया 2 इंटू एफ इंटू cos ऑफ थीटा बाई 2, यही लिखा ऊपर बोर्ड पे फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरी बात डायरेक्शन, tan phi फॉर्मूला था b sin theta अपॉन a प्लस b cos theta, मैंने दोनों वैल्यूज पुट की, b की जगह लिया a की जगह लिया, तो f sin theta अपॉन f नीचे कॉमन ले लिया 1 प्लस cos theta, f से f गया।
वन प्लस कोस थीटा अभी अभी लिखा था, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, वन प्लस कोस थीटा इज टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो वन प्लस कोस थीटा की जगह पर नीचे आ गया टू टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। और ट्रिग्नोमेट्री ही हमें बताती है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है टू टाइम्स साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। डबल एंगल वाले फॉर्मूले हैं, टू टाइम्स साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू। ठीक है, टू से टू कैंसिल, एक कोस से एक कोस भी कैंसिल, तो ऊपर साइन बचा और नीचे कोस बचा, साइन अपॉन कोस टेन होता है, सो दिस इज टेन थीटा बाई टू। और टेन फाइव, अगर टेन थीटा बाई टू आ गया तो यहां से फाइव कितना आ गया हमारा थीटा बाई। शायद ये दोनों फॉर्मूले समझ आ गए होंगे कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर को बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं लगाने, छोटे छोटे फॉर्मूले आ गए, आप नोट कीजिए फिर इनको यूज करते हैं भाई। नहीं कीजिए, मैं दो मिनट रुकता हूँ। अब हम इनको यूज करते हैं किसी तरह के सवाल में। देखिए, एक बार पार्टिसिपेंट्स वीडियो ऑन कीजिए अपने। मैं एक बार देख रहा हूं कौन कौन है, आप वीडियो ऑन कीजिए, फिर कर लेना ऑफ थोड़ी देर में। पता है, दो तीन बच्चे बस वही वीडियो ऑन करते हैं, बाकी तो पता नहीं किस तरह रहते हैं, क्या है, क्या है। मतलब वीडियो ऑन करने में क्यों डर है। चलो ठीक है भाई, आप ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं अपना वीडियो। अब देखते हैं, इधर मेरा ध्यान स्क्रीन की तरफ नहीं होता, मैं तो इधर ही पढ़ाऊंगा ज्यादा, वही एक बार ही देख रहा था आपको। अब हम इनको यूज करेंगे कि कैसे फॉर्मूले यूज होंगे। जैसे मान लो ये F तो केवल इसलिए ले लिया कि फिजिक्स में ना फोर्सेस को बहुत ऐड करना पड़ता है, फोर्स आ गए, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, हम F के टर्म्स में याद कर लेते हैं। ठीक है, एक सवाल लेते हैं इसी चीज को समझने के लिए, नहीं नोट हुआ है तो नोट कर लीजिए पूरा, इस चीज को ही हम यूज करेंगे। ये जो फॉर्मूले आप कहे हैं इन्हीं को हम यूज करते हैं। देखिए, सपोज ऐसा कुछ दिया गया है कि ये एक ब्लॉक है, ये कोई भी एक ब्लॉक है, और इस पे ना दो फोर्स लगाए जा रहे हैं, एक फोर्स F1 है 10 न्यूटन का और दूसरा फोर्स F2 है ये भी 10 न्यूटन का, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। सवाल है कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पर आप रिजल्टेंट फोर्स लगाइए। तो अभी जो फॉर्मूला किया एक बार वो लगा के देखो कि क्या होगा। अभी जो फॉर्मूला आपने
आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, एफ इज इक्वल टू ना रिजल्टेंट इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हम सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, केवल इसलिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू टू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन इज 10 इंटू कोस ऑफ हाफ एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो उसका जो हाफ एंगल बनेगा दैट विल बी 30 डिग्री। कोस 30 कितना होता है? रूट 3 बाई 2, तो 2 इंटू 10 इंटू रूट 3 बाई 2, 2 से 2 गया और ये हमारा आंसर आ गया 10 अंडर रूट 3 न्यूटन। जो रिजल्टेंट आया उसका आंसर आ गया 10 अंडर रूट 3 न्यूटन। डायरेक्शन की बात करें तो बहुत आसान है, जब दोनों इक्वली मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करते हुए चलेगा, तो एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद F1 बोलो चाहे F2 बोलिए, किसी के भी साथ आप एंगल दिखाना चाहेंगे तो एंगल आपका हो जाना है 30 डिग्री। इस तरह से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें जो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, क्या तो यूनिट वेक्टर्स का रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर हो सकता है? यूनिट वेक्टर क्या थे जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, वो थे यूनिट वेक्टर। तो क्या दो यूनिट वेक्टर्स का रिजल्टेंट एक यूनिट वेक्टर हो सकता है क्या? क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो और इसका जवाब दो। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट द रिजल्टेंट इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा कि उनका रिजल्टेंट भी एक यूनिट वेक्टर ही आ जाए? और ये क्वेश्चन हमें एक रिजल्ट भी दे के जाएगा, आप पहले अटेम्प्ट कीजिए इसको, ये क्वेश्चन खुद हमें एक रिजल्ट दे के जाएगा। दो यूनिट वेक्टर्स मतलब दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, और अगर दो वेक्टर्स का इक्वल मैग्नीट्यूड है तो रिजल्टेंट निकालने का तो एक फॉर्मूला है ही हमारे पास, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें बोला गया है कि जैसे कोई वेक्टर r है, बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b, एनी वेक्टर r इज गिवन टू बी इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब इसमें दे क्या क्या रखा है? ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं, यानी कि मोड ए इक्वल टू मोड बी इक्वल टू 1, यह हमें दे रखा है। ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं, गिवन है। दूसरी बात, एक और चीज गिवन है, जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक यूनिट वेक्टर है, और मुझे एंगल निकालना है, मतलब पॉसिबल तो है, कोई ना कोई तो एंगल ऐसा होगा जिसमें रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो अगर दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड हो तो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है 2f cos ऑफ थीटा बाई 2f इंटू कोस ऑफ थीटा बाई 2। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना दिया है? 1। इन दोनों का मैग्नीट्यूड f होता है वो भी कितना दिया है? 1। और थीटा मुझे निकालना है, और ये है cos थीटा बाई 2।
तो यहां से cos थीटा बाई टू कितना आ गया, cos थीटा बाई टू आ गया 1/2, इसका मतलब थीटा बाई टू आ गया 60 डिग्री, और यहां से मेरे पास एंगल आ गया कि थीटा कितना हो गया 120 डिग्री। और बच्चे इसको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह भी याद करते हैं कि अगर दो यूनिट वेक्टर ही, अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हों और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही आ जाता है जितना कि उन दोनों का। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट का भी उतना ही मैग्नीट्यूड आता है, ये हमें याद भी रखना, ठीक है, आप कर दीजिए इसको नोट। और अब मैं यहाँ तीन डायग्राम से तीन चीजें कंपेयर करके दिखाऊंगा, पहले ये नोट कीजिए। तीन चीजें हम कंपेयर करेंगे, अगर मान लो ये पूछा जाए कि रिजल्टेंट इंडिविजुअल वेक्टर से बड़ा होगा छोटा होगा, ये तीन चीजें हम कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात, मैं कंपैरिजन क्या ले रहा हूं, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं और उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये हमें देखना है। सबसे पहली चीज, मान लो दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा 120 डिग्री से कम है। दूसरी चीज जो अभी अभी हम रिजल्ट निकाल के लाए, थीटा कितना है 120 डिग्री। और तीसरी चीज, थीटा इज ग्रेटर देन 120 डिग्री, ये तीन आपको दिए गए हैं। पहला, पहले बीच वाला बनाते हैं, अभी अभी किया ये हमने। देखो मान लो ये वेक्टर है ए और ए का मैग्नीट्यूड एफ है, और ये वेक्टर है बी और बी का भी मैग्नीट्यूड एफ है, और इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। आप पैरेललोग्राम लो कंप्लीट करेंगे, पैरेललोग्राम लो से ऐसे आएगा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट आना है। और जब इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर होते हैं तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता है, तो पूरा 120 डिग्री तो ये एंगल कितना 60 डिग्री, और ये एंगल भी 60 डिग्री, ठीक है। ये एफ है तो ये लंबाई भी एफ है, ये लंबाई भी एफ है, तो ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी तो आमने सामने के एंगल इक्वल हो जाते हैं, और तीसरा भी 60, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लंबाइयां सेम होंगी, यानी कि आर इज इक्वल टू एफ। ये अभी अभी हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था, हम ज्योमेट्रिकली देखें, पहले इक्वेशन से, ज्योमेट्री की मैथमेटिक्स से, पहले इक्वेशन से प्रूव किया था, अब हम ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं कि ये कैसे आया, समझ आ गया होगा। अब देखो एक बार डायग्राम बना के देखते हैं, अगर आप इससे कम कोई भी एंगल लोगे, इससे कम कोई भी एंगल लेंगे, जैसे सपोज ये ले लिया, ए और बी की लंबाई बराबर है और जो एंगल है हमें दिख रहा है कि वो 120 से छोटा है, तो आप एक बार पैरेललोग्राम लो से रिजल्टेंट पूरा करके देखिए, ये बना। आप डायग्राम से बताओ क्या आर ए और बी से बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है, डायग्राम से बड़ा दिख रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब इस वाले केस में आर का मैग्नीट्यूड एफ से क्या आता है बड़ा। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री से कम है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। और अब मैं हूं तीसरे वाले डायग्राम पे, ये आपका ए और मैंने इधर की तरफ कर दिया बी, और ये एंगल आपको दिख रहा होगा 120 से भी बड़ा किया है मैंने। अब अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं तो ए के हेड से बी के पैरेलल एक लाइन बनाई, बी के हेड से ए के पैरेलल एक लाइन बनाई, हो गया बी पैरेललोग्राम कंप्लीट, बी के हेड से ए के पैरेलल एक लाइन बना दी, ए के हेड से बी के पैरेलल, और ये बनेगा आपका रिजल्टेंट आर।
आप खुद बताओ देख के, आर की लंबाई ए और बी से बड़ी है छोटी है? छोटी दिख रही है इसमें, यानी कि मोड आर विल बी लेस देन मोड ए और बी। तो ये एक ऐसा रिजल्ट है जो हम याद कर ही लेते हैं। अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है, कौन से वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो इसका मतलब होता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही आएगा। 120 से कम एंगल है तो रिजल्टेंट बड़ा आएगा, और 120 से बड़ा एंगल है तो रिजल्टेंट छोटा आएगा। ठीक है, लिख लो ये तीनों। एंगल अलग अलग लेके ना उसमें कुछ स्पेशल केसेस हम लेंगे, तो वो हम देखते हैं। तो अगला हमारा काम है स्पेशल केसेस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। स्पेशल केसेस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ये हम देख रहे हैं यहां से। कौन से स्पेशल केस? अब इसमें वो नहीं कह रहा कि मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं। हम इसी के केस ले रहे हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसके हम स्पेशल केस ले रहे हैं। देखो सबसे पहला केस, लेट थीटा बी जीरो डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। थीटा क्या माना हमने? इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ए और बी के बीच का जो एंगल है उसको हमने नाम दिया है थीटा। तो पहला केस हम ले रहे हैं कि थीटा आपने कितना दिया, बिल्कुल ही जीरो डिग्री। अगर थीटा जीरो डिग्री लेंगे तो जो फॉर्मूला है उसमें देखो आप, आर बराबर अंडर रूट टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और कोस जीरो डिग्री। कोस जीरो कितना होता है? वन। कोस जीरो इज वन, तो ये क्या बन गया? अगर आप होल स्क्वायर की तरह लिखें तो इट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर से रूट हटा तो मेरे पास रिजल्टेंट लिखने का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। यानी कि कभी भी अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जीरो डिग्री दिया हो तो अब दोनों को मैग्नीट्यूड जोड़ दीजिए, वही रिजल्टेंट आते हैं। एक फोर्स 10 न्यूटन आगे लग रहा है, एक फोर्स 5 न्यूटन आगे लग रहा है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? 15 न्यूटन। ठीक है, नोट कर लो, फिर मैं सेकंड में चलता हूं। और ये स्पेशल केसेस से ही फिर एक रेंज बनेगी, और उस पर कैसे सवाल आते हैं फिर हम आएंगे उस चीज पे। दूसरा केस लेते हैं, थीटा इज 180 डिग्री। मान लो दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक फोर्स इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, दोनों वेक्टर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो यहां पे आएगा कोस 180 डिग्री। अब ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती है कि कोस 180 इज माइनस वन, और अगर आप इसको -1 रखोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
है ना, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी मीन्स ए माइनस बी होल स्क्वायर, और ये आएगा a माइनस बी और b माइनस ए। दरअसल क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाना होता है भाई, दो वेक्टर ऐसे हैं, 15 इधर लग रहा है 5 इधर, तो 15 माइनस 5 15 इधर हो गया, मान लो इसको b बोले तो b माइनस ए हो जाएगा। आपको क्या करना है, बड़े में से छोटा ही घटाना है, ठीक है। तो ये आपका होगा a माइनस बी और b माइनस ए, ये वाला आंसर तब होगा जब a बड़ा है b से, और ये वाला आंसर तब होगा इफ b इज ग्रेटर देन ठीक है। तीसरा केस, तीसरा स्पेशल केस, तीसरा केस क्या है कि जब थीटा 90 डिग्री तो क्या होगा वो देखते हैं। आसान सा केस है, यहाँ कोस 90 डिग्री आएगा, और कोस ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, जीरो होता है, कोस 90 जीरो, तो ये आएगा कुछ नहीं आना, कोई होल स्क्वायर नहीं बनना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आना है तीसरा केस। और तीसरा केस का रिजल्ट तो पाइथागोरस से भी आ जाता है, आप अगर ए और बी परपेंडिकुलर लेंगे, सपोज दिस इज ए एंड सपोज दिस इज बी, मैं ट्राइंगल लो लगा लूंगा, रिजल्टेंट होगा क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल और ये उसका एंगल था, तो आपको खुद ही दिख रहा है, आप पाइथागोरस से भी बोल सकते थे कि r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड अगर इस केस में tan phi निकालेंगे तो बड़े बड़े फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है tan phi कितना, आप चाहे फॉर्मूला लगा लो b sin थीटा, sin 90 1 होता है, अपन a प्लस b cos थीटा, cos 90 0 होता है, तो वो भी वहां से भी वही है ठीक है। ये वैसे तो मैंने क्लास आज डबल टाइम, मतलब दो जो मीटिंग हो जाए इतना टाइम दिया था, बट ये हो नहीं पाएगा कंटिन्यू भाई, इसमें इसमें बैटरी चार्ज नहीं है फोन अभी, तो खैर मीटिंग ऑफ हो जाएगी, वैसे भी लास्ट 10 मिनट चल रहे, दोबारा अगर इसमें फोन में कुछ बैटरी बची तो मैं रीस्टार्ट कर दूंगा, नहीं बची तो आप कोई बात नहीं देख लेना, देख लेना रिस्टार्ट हो तो। ये केस सेकंड हो गया, केस थर्ड हो गया, तीसरा केस भी आ गया, तो एक रेंज आ गई मेरे पास, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट की एक रेंज आ गई, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है a प्लस बी, कब, जब थीटा कितना है जीरो डिग्री, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है a माइनस बी या b माइनस ए, कब, जब थीटा 180, और कुछ भी हो तो उसके बीच में ही होगा, तो इसको लास्ट में समेटिए एक रिजल्ट की तरह, कि रेंज ऑफ, रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड, रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड, रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ गिवन मैग्नीट्यूड, मोड आर जो है बड़े से बड़ा हो सकता है a प्लस बी, और छोटे से छोटा हो सकता है, एक ये सिंबल होता है, वैसे तो ये सिमिलर टाइप की सिंबल है, सब्ट्रैक्शन वाइज इस सिंबल का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, ये सब्ट्रैक्शन का ही एक पुराना सिंबल है जिसका मतलब है बड़े में से छोटा घटाना है, माइनस को थोड़ा सा हमने मोड़ दिया है, है ना, चाहे तो आप वैसे मोड़ लगा लो, मोड़ का मतलब भी यही होता है बड़े में से छोटा घटाना है, तो ये रेंज का फॉर्मूला है, ये वाली वैल्यू कब होगी जब थीटा 0 डिग्री है, और ये वाली वैल्यू जब थीटा 180 डिग्री है, नहीं तो इनके बीच का ही कुछ होगा ठीक है। अब मान लो जैसे क्वेश्चन आ जाए, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, और आपको ये बोला है आर वेक्टर है ए प्लस बी, r वेक्टर है a प्लस बी, तो r कैन बी, अब आपको ऑप्शन दे दिए 0
1, 7, 8 बताओ क्या क्या पॉसिबल है इनमें से। जैसे अगर यही सवाल आ जाए सिंपली ना, ए का मैग्नीट्यूड 5 है, बी का 2 है, पूछा यह है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, ये आपसे पूछे। पहले रेंज निकालो, 5 - 2 = 3, 5 + 2 = 7, एंगल में दिया नहीं है तो कैसे भी आप अरेंज कर सकते हो, यानी कि 3 से लेकर 7 तक कुछ भी आंसर आ सकता है। तो 0 नहीं आ सकता है, 1 नहीं आ सकता है, 8 भी नहीं आ सकता है, ओनली क्या बचा 7 बचा। तो ये सिंपल से इस तरह के ऑब्जेक्टिव यूं बन के आ सकते हैं। यही सवाल ऐसे भी आ सकता था कि रेंज कैन नॉट बी, सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था रेंज कैन नॉट बी, उसमें फिर 3 ऑप्शन कहाँ मिलते, 3 से और 7 के बीच में और 1 उससे बाहर, समझ गए हो। रेंज के नॉट टी बी में 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही रेंज में मिलेंगे और 1 बाहर मिलेगा, ठीक है। तो हमें 2 वेक्टर्स की रिजल्टेंट का रेंज निकालना आ गया, क्या होता है अगर एंगल नहीं दे रखा है तो रेंज इस तरह से निकलती है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। देखो अभी वेक्टर अलजेब्रा में बड़ा अच्छा टॉपिक है एडिशन, बिकॉज सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, अगर आपको एडिशन आ गया तो वही सब्ट्रैक्शन, अगर आपको एडिशन समझ आ गया, आप नेगेटिव वेक्टर करना जानते हैं, नेगेटिव वेक्टर, कोई वेक्टर बी है, बी का नेगेटिव माइनस बी हम जानते हैं कि इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, अगर कहीं ए माइनस बी करना हो तो ए में माइनस बी जोड़ दो, अगर कहीं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है तो उसको आप लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, नेगेटिव में बनाना आता है अपोजिट। तो अगर आपको एडिशन आ गया तो इसका मतलब आपको सब्ट्रैक्शन भी आ ही गया, क्लियर है। बस फर्क क्या होगा वो हम इसमें देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग, अच्छा उससे पहले मैं एक और चीज पूछूं आपसे कि रिजल्टेंट, जैसे अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है तो रिजल्टेंट बीचों बीच है, लेकिन अगर कोई एक वेक्टर बड़ा हो और एक छोटा हो तो रिजल्टेंट किधर मिलेगा, एक बड़ा हो एक छोटा हो तो रिजल्टेंट किधर मिलेगा। ये मीटिंग तो खत्म हो गई और इसमें फोन की बैटरी कितनी बची है, 5%। दोबारा चल सकती है ये, 5% में तो कुछ भी नहीं होगा। मैं एक बार रीस्टार्ट तो करूँ, एटलीस्ट ये सवाल तो पूरा करें। अब हमारा सवाल ये है कि अगर 2 अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हों, अगर 2 अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हों तो रिजल्टेंट किस साइड होगा, जैसे ए और बी दोनों को अपोजिट ऑर्डर में लगा दिया मैंने, दोनों का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो रिजल्टेंट अगर इक्वल होता तो बिल्कुल बीचों बीच होता, अनइक्वल मैग्नीट्यूड में किधर होगा रिजल्टेंट, बड़े की तरफ या छोटे की तरफ, बड़े की तरफ, ये बात दिमाग में रखना, इस पे भी सवाल बन के आ सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर मान लो ये वेक्टर बड़ा है और सपोज ये छोटा है, मैं डायग्राम में ही दिखा रहा हूं, और आपने रिजल्टेंट बनाया पैरेललोग्राम लॉ से तो ये आएगा रिजल्टेंट, ये बन गया रिजल्टेंट। आप खुद देखो यही दिख रहा है आपको, कौन सा एंगल बड़ा है, ए की तरफ या बी की तरफ, बी की तरफ एंगल बड़ा है मतलब वो ज्यादा किधर झुक गया है, ए की तरफ झुक गया है। सपोज दिस एंगल इज अल्फा एंड लेट दिस एंगल बी बीटा, इफ मोड ए इज ग्रेटर देन मोड बी देन अल्फा विल बी लेस देन बीटा, ठीक है। For vectors of unequal magnitude, the resultant is more inclined towards the greater vector. आप लिख सकते हो लाइन, लिख सकते हो उसके साथ डायग्राम बना सकते हो। For vectors of unequal magnitudes,
फॉर वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स द रिजल्टेंट इज मोर इंक्लाइंड टुवार्ड्स द वेक्टर ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड हाँ जी बोलिए, कुछ कह रहे हो क्या? अच्छा भाई सुनो, जो भी बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, क्या दो वेक्टर से के रिजल्ट से दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट से रिलेटेड ये जो छोटे छोटे से पॉइंट आ रहे हैं आज की क्लास में, कुछ रिवाइज हुए होंगे, कुछ समझ आ गए होंगे? क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या नहीं समझ आ रहे हैं कि नहीं बताओ? ठीक है। और दूसरी बात, ये मीटिंग अपने आप ऑफ होगी अब किसी भी वक्त, बैटरी ज्यादा है नहीं, तो जैसे ही आपको पता लगे आप बंद कर देना। लास्ट 5% बैटरी चल रही, मीटिंग तो हमने स्टार्ट कर दी है बट इसमें फोन में बैटरी है नहीं, तो देखते हैं जितना भी हो पाता है। इसके बाद देखो, अगर ठीक है हमने दो वेक्टर्स का एडिशन देख लिया, उसमें अलग अलग तरह के केसेस देख लिए, कभी इक्वल मैग्नीट्यूड वाले केस लिए, कभी उसमें रेंज देखी हमने क्या होगी क्या नहीं होगी। इक्वल मैग्नीट्यूड में भी तीन केस सेपरेटली देख लिए, थीटा इक्वल टू 120, लेस देन 120, ग्रेटर देन 120, है ना, और रेंज पे कैसे सवाल आते हैं, फिर किधर रिजल्टेंट झुका होगा ये भी हमने देख लिया। अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ये आप हेडिंग डालिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ये पार्ट हम देखते हैं अभी। जैसे अगर ये कोई वेक्टर ए दिया है और ये हमें कोई वेक्टर बी दिया है और आपको दे रखा है थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थीटा दे रखा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये हमें दिया गया है। और आपको मैंने अपनी तरफ से एक नाम दे दिया वेक्टर एस, और ये निकालना है एस फॉर सब्ट्रैक्शन, डी भी बोल सकते हो, डी फॉर डिफरेंस, जिसे सम का तो रिजल्टेंट फिक्स सिंबल होता है, इसका कोई एच सच कोई फिक्स सिंबल नहीं ले रखा है, तो ए माइनस बी ये आपको दिया गया। अब a माइनस बी कैसे करेंगे? सबसे पहले a और b को मैंने सेम ऑर्डर में जचाया, मैं a को उठा के लाया, मैंने a यहां पर रखा, दिस इज वेक्टर a, और मैं b को लेके आ गया और b मैंने सेम ऑर्डर में रख दिया। आप सेम में भी रख सकते हो, आपका मन करे आप अपोजिट में भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, पैरेललोग्राम लो, ट्रायंगल लो, दोनों लोग हैं हमारे पास। ठीक है, a और b दोनों हमने बना लिए। अच्छा, इसके बाद a और b के बीच का एंगल कितना है? थीटा। मैं इस ए को ऐसे, ए माइनस बी को ऐसे देखूं, ए प्लस माइनस बी, बात तो एक ही, तो मुझे तो वेक्टर जोड़ना ही है। बी वेक्टर अगर उधर है तो माइनस बी वेक्टर इधर बनेगा, बिल्कुल इससे अपोजिट उतनी ही लंबाई का बनेगा, बन गया माइनस बी। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा था तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल होगा 180 माइनस थीटा, बस और कुछ फर्क है। आपको अब इसमें ये वेक्टर जोड़ना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो जो रिजल्टेंट बनेगा, जो भी आपका रिजल्टेंट बनेगा वो ये वेक्टर होगा, ये। नाउ दिस विल बी योर रिजल्टेंट, लेकिन इनके रिजल्टेंट को हम एस कहेंगे, तो ये सब्ट्रैक्शन वेक्टर। और एस ने अगर ये एंगल फाई बनाया है तो इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ ऊपर वाला थीटा, जो एस का मैग्नीट्यूड होता है वो निकल के आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की जगह क्या हो जाया करता है माइनस, उसका कारण मैं अभी बता रहा हूं, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। एंड टेन फाई का फॉर्मूला, ऊपर तो वही बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस की जगह माइनस बी कोस थीटा, बहुत आसान है ये सोचना कैसे होगा। सुनो, आपको दो वेक्टर जोड़ने, इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस बी या बी, बी मैग्नीट्यूड तो बी ही है, डायरेक्शन उल्टी हुई, मैग्नीट्यूड बी,
इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। तो जब दो वेक्टर को आप जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती है कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा आ गया। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री हमें बताती है कि sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ही होता है और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो आप बताओ क्या तुरंत ये फॉर्मूले आ जाएंगे, प्रूव करने की जरूरत नहीं, वही है। आपको ए में दूसरा वेक्टर जोड़ना है जिनके बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा, तो वही एडिशन वाले फॉर्मूले है। तो मैग्नीट्यूड इसका भी बी है तो बी रखा, जहां जहां थीटा आया था वहां वहां क्या कर दिया 180 माइनस थीटा। दूसरी बात, अगर स्पेशल केस आ जाए कि दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए तो ये बनता है 2f sin थीटा / 2 और यहां से तो पाई बनेगा वही थीटा / 2। ये तो कैसे आए समझ आ गए। दूसरी बात, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हो तो उनके फॉर्मूलों में जहां थीटा था उसकी जगह कर दो 180 माइनस थीटा, तो वहां क्या था 2f cos थीटा / 2, थीटा की जगह रखा 180 माइनस थीटा / 2, वो बनेगा 90 माइनस थीटा / 2, अलग अलग डिवाइड करो और cos ऑफ 90 माइनस समथिंग होता है sin थीटा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये वो फॉर्मूले आ जाते हैं, बस हाँ फाई इसमें नीचे बनेगा उसमें ऊपर था। ठीक है, मैं थोड़ा फटाफट करके फिनिश करवा रहा हूँ, ये फोन ऑफ होगा इसलिए कि भाई जितना हो पाए उतना हम कर दें। हो गया। चलो इस मीटिंग को तो मैं यहीं क्लोज करता हूँ।